बेली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आन कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने तीन सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान अब अपनी फसल कहाँ बेचेंगे, ना ये सरकार तय करेगी और ना ही ये अधिकारी तय करेंगे, बल्कि ये खुद तय करेंगे किसान। वो ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो कानून फसल को स्टॉक करने पर रोक लगाया करता था, अब वो कानून भी बदल गया है। आइए इसी विषय पर आपको देते हैं कुछ विस्तार से जानकारी। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले में तेलीहर के ग्रामीणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया, जहां औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान समान रूप से आवश्यक है। किसानों को बाजार से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा रहा है और सरकार ने कोल्ड स्टोरेज आदि जैसे लिंकेज के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश उपलब्ध कराया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी उतना ही जरूरी है, मोदी ने कहा। गौरतलब है कि किसान अपनी फसल कहां बेच सकता है, अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं, ये भी तय करने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया था। इस तरह के कानूनों को 2 सप्ताह पहले खत्म कर दिया गया है। अब कहां फसल बेचेंगे ये सरकार या अधिकारी तय नहीं करेंगे, बल्कि किसान खुद तय करेगा। पहले जो कानून फसल के स्टॉक करने पर रोक लगाता था, अब उस कानून में भी परिवर्तन कर दिया गया है। यानी कि अब किसान अपने राज्य के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है और किसी भी बाजार में बेच सकता है। अब किसान अपनी उपज का अच्छा दाम लेने वाले व्यापारियों से या कंपनियों से सीधे जुड़ सकते हैं, उन्हें सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में किसानों की फसल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बने, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी 1,00,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। गांव के पास, कस्बों और छोटे शहरों में स्थानीय उपज से अलग अलग उत्पाद बने, पैकिंग वाली चीजें बने, इसके लिए उद्योग समूह बनाए जाएंगे। जाहिर है कि जब किसान बाजार से जुड़ेगा तो अपनी फसल को ज्यादा दामों पर बेचने के रास्ते भी खुलेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसका लाभ सीधे किसानों को होगा। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा, पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। आप समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। खेतों में दौड़ती फसलों पर चलती इन्हीं मशीनों में रची बसी जिंदगी है इस शख्स की। बीते 15 सालों से दिमाग का हर हिस्सा कल पुर्जों को जोड़ने में ही व्यस्त रहा। एक मिशन को लेकर जिंदगी चली और आज तक चलती आ रही है। किसानों के महानायक केपी सिंह हिंदुस्तान के उन सीमांत किसानों के लिए सुविधाओं को खोजने में जुटे हैं जिनके लिए बंजर जमीन में उगने वाले पौधे ही फसल हैं। आदिवासियों के लिए एक तरह से मसीहा हैं। इन्होंने आदिवासियों के लिए ही मशीनों का विकास किया, उन्हीं की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया। हिंदुस्तान के जिस भी हिस्से में आदिवासी किसान हैं और थोड़ा बहुत भी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझिए उन मशीनों को बनाने में केपी सिंह की बड़ी भूमिका रही है। अपने हाथों से खेतों का और अपनी जिंदगी का भविष्य संवारने वाले आदिवासी यूं तो मशीनों से दूर ही रहते हैं, लेकिन जिन भी इलाकों में इन आदिवासियों को मशीनों से जोड़ा गया वहां इन आदिवासियों ने मशीनों को बड़ी तवज्जो दी, अपनी जान से ज्यादा उसे प्यार दिया। ट्राइबल लोग हैं, वो गरीब जरूर हैं, लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी उनको दीजिए वो अपने बच्चों के से ज़्यादा उसको प्यार करते हैं। जैसे हमने मड़ुआ थ्रेसर बनाया या यहाँ पर जो हमने मल्टी मिलेट थ्रेसर बनाया उसको ट्राइबल लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं और इतना खुश होते हैं उसको उपयोग करके, और संजोग से उनके आशीर्वाद से उन्होंने जो हमको दिल से आशीर्वाद दिया तो हमने जो भी अभी तक जो इच्छा की वो सब मिला है। ईश्वर कृपा से सब कुछ मुझे मिला है और मैं लाइफ से अपने सेटिस्फाइड हूँ बहुत, इसलिए कि उनसे जो हमको आशीर्वाद मिला है, क्योंकि वो जब उपयोग करते हैं, जैसे अभी हमने तामिया में अपनी मशीन दिया था तो उनको हमने एक दिन की ट्रेनिंग दी थी यहाँ पर थ्रेसर को चलाने के लिए। और मशीनरी का आप जानते हैं कि मशीनरी को ऑपरेट करना बहुत कठिन होता है, कोई भी मशीन का एडजस्टमेंट हम खुद ही मतलब उसको एडजस्ट करते हैं और बहुत डरते हैं कि कोई ऐसा उसमें गलत ना कर दे, कोई टूट फूट ना हो जाए। लेकिन मुझे आश्चर्य कि जब मैं उनको विजिट करने गया 4 दिन बाद देने के थ्रेसर, तो वो अपने पूरे गांव का, पूरा जो गांव था उनका, उस पूरे ट्राइबल विलेज का पूरा मिलेट उन्होंने उससे मड़ाई कर दिया था। और हमने जब उनसे पूछा उसके बारे में, मशीन के बारे में, तो मशीन के बारे में जैसे वो मशीन बनाए हों और मैं श्रोता हूँ इस तरह से उन्होंने समझाया, मुझे बहुत खुशी। क्योंकि अगर मशीन कोई ट्राइबल जो पढ़ा नहीं है, जिनके पास पूरे गांव में एक मोबाइल है, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं पथालकोट एरिया की, पूरे गांव में एक मोबाइल है, आप सोच सकते हैं कि उसका लिटरेसी रेट क्या होगा। एक आदमी पढ़ा नहीं है, एक लड़का पढ़ा है जो मोबाइल उपयोग करता है, उस गाँव के लोग उस मशीन को इतना अच्छा उपयोग करके हमको बताते हैं कि ऐसे उसका सीव यूज करते हैं, इतना ये मोटर ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे उपयोग करते हैं, ये इसका ये एडजस्टमेंट है, इसका वो एडजस्टमेंट, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में अपने हम ट्राइबल्स के लिए अगर कुछ काम कर सके, चाहे वो किसी भी तरह से करें, पर्सनल लेवल पर या गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके या NGO के हेल्प से कुछ भी करें, लेकिन हम ट्राइबल के लिए कुछ काम करना चाहेंगे अपने भविष्य में। एक बड़ी जनसंख्या है आदिवासियों की। जंगल से खेत की तरफ बढ़ती ये जनसंख्या अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही है और जहां इन्हें मशीनों का सहारा मिल रहा है उनके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अनाज वाली फसलों को उगाने में आज भी बहुत पीछे हैं आदिवासी। उनके लिए आज भी मोटा अनाज ही जिंदगी का सहारा है। केपी सिंह ने इन्हीं मोटे अनाज के लिए मशीनों को बनाया। ट्राइबल एरिया में यूं तो बिजली एक बड़ी समस्या है, लेकिन जहां तक बिजली पहुंची है और पहुंच रही है, केपी सिंह की बनाई मशीनें उन इलाकों में आदिवासियों की जिंदगी को तेज रफ्तार दे रही है।
खेती के जो भी औजार आदिवासी इस्तेमाल कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, उन औजारों में तकनीक जोड़ के केपी सिंह जैसे किसानों के महानायक ने उन्हें और प्रभावी बना दिया। पहाड़ी क्षेत्रों के ट्राइबल एरिया में केपी सिंह के इन्हीं छोटे छोटे आविष्कारों ने उन्हें खूब ख्याति दिलाई। इन आविष्कार की हुई मशीनों का आलम यह है कि लोग उन्हें हाथों हाथ लेकर जा रहे हैं और अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हैंड टूल्स पर भी काम किया अल्मोड़ा में, जो कि बहुत ही प्रचलित हुई। कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर तो उसको नहीं बना रहा है, लेकिन 5 ऐसे हैंड टूल्स थे जो आप अभी भी अगर अल्मोड़ा में जाएं और पूछें तो सबसे ज़्यादा हमको जो वहाँ पर ख्याति मिली काम से, वो छोटे हैंड टूल्स से, जैसे कुटला था, हमने बनाया था, दरांत बनाया था। दरांत जो यहाँ पर सिकल होता है उसको पहाड़ों में दरांत बोलते हैं, और कुटला बोलते हैं जो छोटी कुदाली होती है उसको कुटला बोलते हैं पहाड़ों में। रेक जो गार्डन रेक होता है, गार्डन रेक हमने वहाँ पर बनाया था। तो इसमें हमने चेंज किया था, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट। उसमें पहले जो बिंडा बोलते हैं उसको, जो हैंडल होता है, तो हैंडल को पहाड़ों में बिंडा बोलते हैं, तो हैंडल वहाँ पे लकड़ी के होते हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक केपी सिंह भोपाल में स्थित CIAE यानी कृषि अभिसंस्थान में CAD यानी कंप्यूटर एंड डिजाइनिंग विभाग के हेड हैं, जहाँ हिंदुस्तान के खेतों में मशीनीकरण का भविष्य तय होता है। मशीनों के महत्व से लेकर उनकी उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए संस्थान में देश और दुनिया से आने वाले लोगों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी भी केपी सिंह के कंधों पर है। मैं यहाँ अपने संस्थान में कंप्यूटर डिजाइन सेल का इंचार्ज भी हूँ, और वहाँ हम बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो दो तरह की वहाँ ट्रेनिंग है, उसमें विशेष करके एक पेड ट्रेनिंग है, एक अनपेड भी है। जो अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई साइंटिस्ट आया या किसी ने रेफर किया है या हमारे संस्थान के डायरेक्टर ने बोला कि इसको हमें ट्रेनिंग देना है, मुफ्त में भी ट्रेनिंग देते हैं। उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सूट करना चाहिए। दूसरा, हम स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। 3 तरह की ट्रेनिंग उसमें भी है। एक 1 month ट्रेनिंग है, 4, 3 week, 2 week, तो 7,000, 6,000, 5,000 की उसकी फ़ी है। तो जो स्टूडेंट आते हैं, हम लगभग 3-4 लाख रुपए रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं अपने संस्थान के लिए, अपने कैड सेल से। लेकिन रेवेन्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट का फीडबैक आता है वो बहुत ही पॉजिटिव रहता है। जो कई ऐसे हमारे संस्थान से ऐसे स्टूडेंट वहाँ से सीख के गए हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में इसके बेस पे जॉब पाए हैं, और बोलते हैं कि हमको काफ़ी यहाँ से सीखने को मिला। केपी सिंह का यहाँ तक का सफ़र सपनों जैसा ही है, और सपने ही हैं जो केपी को जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कम कीमत की ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं केपी सिंह, जो सीमांत और मध्य वर्गीय किसानों के लिए कल्याणकारी हो। अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा, पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लोग। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परसे रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। जी
बैंगन हमारे देश में एक महत्वपूर्ण फसलों में एक माना जाता है एवं ये फसल हमारे देश में सब्जियों के राजा के नाम से जाना जाता है। ये फसल में काफ़ी गुणवत्ता होता है, जैसे इसका जो स्किन होता है उसमें एंथोसानिन नमक एक केमिकल सेहत के लिए बहुत अच्छा है, उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। और इसमें एक डिज़ायरेबल फेनोलिक कंपाउंड भी है, जैसे क्लोरोजेनिक एसिड भी है, वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही और रोग प्रतिरोध हमारे क्षमता भी बढ़ा देते हैं। ये फसल हमारे देश में करीब 7 लाख हेक्टेयर में उगाई जाती है और करीब 13 मिलियन टन की पैदावार होता है और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है पैदावार है वो 19 टन पर हेक्टर होता है। हमारे पूसा संस्थान ने काफ़ी अच्छे वैरायटी भी निकाले हैं और इसमें अलग अलग किस्में, जैसे गोल में, लंबे में, जैसे गोल में हो गया, छोटे टाइप का जो चूचू टाइप होता है, छोटा छोटा बैंगन होता है, जैसे पूसा बिंदु हो गया, पूसा अंकुर हो गया, लंबे में बहुत बढ़िया वैरायटी जैसे पूसा श्यामला हो गया, और हाइब्रिड में पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है जो गोल में है, और पूसा हाइब्रिड 5 है, पूसा हाइब्रिड 20 है जो लंबे में है। किसान भाई ये किस्में हमारे पूसा संस्थान से ले सकते हैं और ये लगा सकते हैं। बैंगन की नर्सरी के लिए जो जगह किसान भाई को चयन करना चाहिए, जहाँ पे अच्छी तरह धूप और पानी की व्यवस्था हो, और नर्सरी का जो बेड है उसको अच्छी तरह जुताई कर दे और मिट्टी को भुरभुरा बनाए, उसमें गोबर की खाद अच्छी तरह मिलाए। और एक चीज़ ध्यान दें किसान भाई, जैसे नर्सरी सॉइल में काफ़ी बीमारी आता है, जैसे डैम्पिंग ऑफ एक बीमारी आता है बरसात के मौसम में, ये बीमारी काफ़ी मात्रा में आ जाता है, तो इस बीमारी के लिए शुरू में ही किसान भाइयों को जो मिट्टी गोबर की खाद है या मिट्टी है उसके साथ ट्राइकोडर्मा की एक दवा, एक जीवाणु आता है, इसको अच्छी तरह मिलाए। 5 किलो मिट्टी या गोबर की खाद से कम से कम 1 किलो ये दवाई को कीटाणु जीवाणु को मिलाए और उचित अच्छी तरह नर्सरी मिट्टी में, और नर्सरी मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा बनाएं, जैसे उसमें कोई भी पत्थर की कोई भी टहनी और खरपतवार कुछ ना हो। और बेड का जो साइज़ होना चाहिए वो कम से कम 3 मीटर लंबाई में होना चाहिए और 1 से 1.5 मीटर चौड़ाई में होना चाहिए। और इसमें क्या होगा किसान भाई, अच्छी तरह जो नर्सरी जो मैनेजमेंट कर सकते हैं, मिट्टी जो चरा सकते हैं बेड के ऊपर और खरपतवार पर भी निकल सकते हैं, तो ये नर्सरी बेड का साइज़ होना चाहिए। और जो सीड है उसको लगाने से पहले या सोइंग करने से पहले सीड को अच्छी तरह ट्रीटमेंट कर ले, जो ट्रीटमेंट करने के लिए हम बोलते हैं कैप्टन 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से सीड को अच्छी तरह मिला दे और वो सीड नर्सरी में सोइंग कर दे। और सोइंग करने के समय जो जो लाइन टू लाइन जो लाइन में सोइंग करे और एक जगह ज़्यादा सीड ना गिराए, इसमें क्या होगा, एक तो जो अलग अलग जो वैरायटी है उसका जो सीडलिंग जो बाद उसका हर एक सीडलिंग को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा मिट्टी से, और इसमें बीमारी भी ज़्यादा होता है, कीड़े भी ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए लाइन टू लाइन सोइंग करें। इसमें लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस रहना चाहिए कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर लाइन की लाइन दूरी होना चाहिए, और जो बीज को ज़्यादा गहराई में ना बुआई करें, इसमें क्या होगा जर्मिनेशन में लेट होगा और जो इसमें लेट होने से जो सीडलिंग का जो ग्रोथ अलग अलग हो जाएगा, तो इसलिए कम से कम 1 सेंटीमीटर गहराई में इसको सोइंग कर दे। सोइंग करने के बाद किसान भाइयों तुरंत जो सूखे जो खरपतवार है या तो ग्रास है उसको अच्छी तरह ढक दे और उसमें अच्छी तरह सिंचाई कर दे और पानी का भी छिड़काव कर दे। इसमें क्या होगा जो उसमें नमी भी बना रहेगा और जल्दी जल्दी जो जर्मिनेशन भी हो जाएगा, और 7-8 दिन में इसका जर्मिनेशन हो जाता है। एवं जर्मिनेशन होने के बाद ही जो ड्राई ग्रास है जो पहले रखे थे बीज के ऊपर उसको तुरंत हटा दे, और हटाने के बाद उसको जो दवाई हम बोलते हैं जैसे कैप्टन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के अच्छी तरह उसको छिड़काव कर दे या तो ड्रेंचिंग कर दे। और नर्सरी में एक चीज़ ध्यान दे, जो कीड़ा आता है फ्रूट एंड शूट बोरर, वो नर्सरी से कंट्रोल करे तो हम बहुत ही अच्छा है। इसके लिए नर्सरी में फेरोमोन ट्रैप लगाए और जो स्पाइनोसेट दवाई है 3.5 से 4 ml प्रति 10 लीटर पानी में घोल के उसको अच्छी तरह छिड़काव कर दे, जैसे कीड़ा नर्सरी से कंट्रोल हो, कीड़ा की समस्या कम हो। और जो
नर्सरी में पानी की कमी नहीं होना चाहिए और 7 दिन 10 दिन बाद नर्सरी में अच्छी तरह पानी दे। और कैप्टन जो दवाई है वो कभी कभी भी डैम्पिंग ऑफ आ जाता है तो उसके लिए ये दवाई अच्छी तरह ड्रेंचिंग कर दे। और जो 1 महीना में पौधा हमारा तैयार हो जाएगा मेन फील्ड के लिए तो अच्छे हेल्दी सीडलिंग वो लगा सकते हैं। अभी जो बरसात की मौसम चल रहा है इस मौसम में बैंगन की नर्सरी तैयार हो गए, पौधा भी तैयार हो गया, अभी मेन फील्ड ज़रूरी है, तुरंत इसका ध्यान दें। ये बरसात अभी भी चल रहा है तो मेन फील्ड जो प्रिपरेशन की बात आती है उसमें जहाँ पे अच्छी धूप हो ना पानी की व्यवस्था हो वो जगह किसान भाई चयन कर ले। और पानी की निकासी की बहुत ज़रूरी है क्योंकि बरसात के टाइम में पानी जम जाता है तो वो बैंगन के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। और जो सीडलिंग जो चयन करे जिसमें बीमारी नहीं है और जो हेल्दी सीडलिंग वही किसान भाई चॉइन कराए। और लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान दे, जो छिड़काव करे, एक दवाई जो आते हैं जो स्पाइनोसेट की एक दवाई आते हैं जो उसमें छिड़काव करने से जो आगे जो फसल है उसमें काफ़ी कीड़ा की कमी होगा। तो बैंगन लगाने से पहले जो फील्ड में मेन फील्ड में गोबर की खाद अच्छी तरह दे दे, जैसे 1 हेक्टर में 25 से 30 टन गोबर की खाद अच्छी तरह मिला दे और उसमें अच्छी तरह ट्रैक्टर से मिट्टी को जुताई कर दे। और लगाने के समय जो पौधे से पौधे दूरी होना चाहिए वो जैसे हाइब्रिड के लिए पौधे से पौधे 2 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर और जो मध्यम जो ग्रोथ वर्गीय जो किस्में है उसके लिए 75 इंटू 60 सेंटीमीटर पौधे से लाइन टू लाइन एवं पौधे से पौधे दूरी रखें। और एक किसान भाई को ध्यान देना चाहिए, खरपतवार बहुत ही हानिकारक होता है, जैसे बैंगन बढ़ता है तो उसमें खरपतवार रहेगा तो उसमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा पौधे को तो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगा। तो इसलिए लगाने से पहले ही एक पेंडीमिथालिन के एक खरपतवार नाशक आता है वो अच्छी तरह छिड़काव करें और उसका जो 1 हेक्टर में करीब 2 से 2.5 लीटर जो दवाई है वो छिड़काव कर दे बढ़िया से। और छिड़काव करने से पहले एक चीज़ ध्यान दे, जैसे मिट्टी में थोड़ा नमी रहे इसलिए जो आने वाले जो फसल है उसमें खरपतवार की काफ़ी कमी होगा। अभी लगा सकते हैं, वैरायटी मैंने बता दिया वो वैरायटी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद तुरंत सिंचाई करें, सिंचाई क्योंकि जो मिट्टी में वैसे बरसात की मौसम है तो मिट्टी में नमी होगा, फिर भी लगाने के बाद सिंचाई कर दे जैसे पौधे की स्टैंडिंग हो जाए। और एक चीज़ ध्यान दे, लगाने से कम 15 दिन बाद जो अच्छी तरह उसको क्योंकि खरपतवार आना शुरू हो जाएगा तो इस और उसको अच्छी तरह खुरपी से खरपतवार को दमन करे। और इसमें कोई भी छिड़काव ना करे, कोई भी खरपतवार नाशक से छिड़काव ना करे, इसमें पौधे को हानि पहुंचा सकते हैं। और इसलिए किसान भाई को एक चीज़ ध्यान देना है, जो हम खरपतवार जब हम खुरपी से करते हैं उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाता है क्योंकि जो उसमें मिट्टी में हवा भी खिल जाता है और इसको मिट्टी के गुड़ाई भी हो जाता है। और लगाने के बाद जब फूल आना शुरू हो जाए, कम से कम 1 महीना बाद जब फूल आना शुरू हो जाए तो जो मेन जो हमारा कीड़ा है बैंगन में जो हानि करता है, जो फल एवं टहना छेदनकारी जो कीड़ा है वो कीड़ा को दमन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए किसान भाई एक चीज़ जो हम जो कीटनाशक की बात करते हैं जैसे स्पाइनोसेट बहुत ही अच्छी कीटनाशक है और इसको 1 लीटर पानी में 3 से 3.5 ml डाल के अच्छी तरह छिड़काव करें जब फूल आना शुरू होगा तब। और एक बार कीड़ा लग जाए तो उसके बाद इस कीड़े को दमन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये कीड़े दमन करने के लिए किसान भाई ये सावधानी बरत ले। और जो इसमें जो बीमारी आते हैं जैसे जिसमें पत्ता छोटा लिटिल लीफ बोलते हैं, जो पत्ता जिसमें छोटा छोटा हो जाता है, इसके लिए एक जो कीड़े कीटनाशक है जैसे कॉन्फिडोर हो गया, एसिडामिप्रिड हो गया, ये स्प्रे कर सकते हैं। कॉन्फिडोर 0.5 से 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल के ये छिड़काव कर सकते हैं। और एक दवाई जो आते हैं जो पाउडर है एसिडामिप्रिड, ये दवाई किसान भाइयों 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के अच्छी तरह छिड़काव करें जैसे इसमें कोई भी लिटिल लीफ बीमारी ना हो, क्योंकि इसको कीड़े को दमन करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक जो प्रॉब्लम किसान भाई जो आ सकते हैं वो है वायरस, ये वायरस की भी प्रॉब्लम आजकल बैंगन में काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है, इसलिए जो सकिंग पेस्ट उसको दमन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए
जैसे व्हाइट फ्लाई हो गया, जैसिड्स हो गए, ये वायरस फैलाता है, तो इसके लिए किसान भाई को येलो ट्रैप, जो हम बोलते हैं पीला जो ट्रैप होता है, जो स्टिकी ट्रैप होता है, इसको कम से कम एक हेक्टर में 10 से 12 स्टिकी ट्रैप लगा दे, जो कीड़ा है उसमें फंस जाएगा और बाकी जो बीमारी कम फैलेगा। और एक अच्छी उपाय किसान भाई को लेना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप। ये बहुत ही अच्छा ट्रैप है, जो फ्रूट एंड शूट बोरर, जो हम फल एवं टहना छेदनकारी जो कीड़े है, इसको कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छा होता है। ये जो फेरोमोन ट्रैप भी कम से कम 12 से 14 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टर के हिसाब से लगा सकते हैं। इसको एक खूंटी के साथ लगा दे, थोड़ा रस्सी से बांध के अपने फील्ड में लगा दे, तो इसमें जो कीड़ों और जो बाकी सकिंग पेस्ट काफ़ी कम आएगा। और जो इसमें बीमारी की बात है, जैसे फ्यूजीराम विल्ट एक बीमारी आता है, इसके लिए किसान भाइयों को एक दवाई कार्बेंडाजिन और मैनकोजेब, दोनों दवाई को एक साथ मिला के, कार्बेंडाजिन 2 ग्राम प्रति लीटर और मैनकोजेब 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर, दोनों एक साथ मिला के जो पौधा है उसको अच्छी तरह ड्रेंचिंग कर दे, जैसे ये बीमारी जो मिट्टी से फैलता है तो ये बीमारी भी काफ़ी कम होगा। और उसके बाद बाकी 30 दिन बाद खरपतवार के लिए दोबारा मैनुअली खरपतवार निकाल सकते हैं, और इसके बाद जो फूल और फल आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ किसान भाई ध्यान दे, क्योंकि बैंगन में सबसे ज़्यादा कीटनाशक स्प्रे होता है जो फ्रूट एंड शूट बोरर के लिए। तो किसान भाई, हमारा जो कंज्यूमर की बात आता है, जो सेफ्टी की बात आता है, इसलिए जो फल तोड़ने से कम 20 से 25 दिन पहले, एक बार फूल आने के समय छिड़काव कर दे, तो बाद में जो कीड़े का जो प्रकोप है काफ़ी कम होगा। और इसके बाद जो फल तोड़ सकते हैं, तो वो फल बाज़ार में भी अच्छी तरह उसको पैदावार में भी मिलेगा और अच्छा मुनाफा भी होगा। तो हम आशा करते हैं ये सब कुछ सावधानी किसान भाई लेंगे तो उनको क्या होगा। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, और कृषि दर्शन कार्यक्रम का ये अंक आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।